वेलकम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमको चिमनी की हाइट निकालनी है, से वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ चिमनी, है ना, हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है। कोई भी पावर प्लांट है या कोई भी और फैक्ट्री है जिसमें चिमनी लगी रहती है, से इफ दिस इज चिमनी और इससे कनेक्टेड हमारा फैन होता है, फैन का फ्लो इधर जाता है, सिस्टम से इधर सक करता है और ये एटमॉस्फेयर में इधर भेजता है। सो दिस इज चिमनी, ठीक है। सो चिमनी की हाइट हम लोगों को निकालनी आनी चाहिए। हम लोग अगर पावर सेक्टर में हैं और उस प्रोफेशन में हैं तो वी शुड नो हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है दोस्तों। सो हाइट ऑफ चिमनी के लिए सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि चिमनी एक अपना नेचुरल ड्राफ्ट बनाती है, उसको हम स्मॉल एच से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है 353 इंटू एच, ठीक है, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस M+1 अपॉन M × T2। ये कोरिलेशन है चिमनी का हाइट का उसके ड्राफ्ट के साथ। अब मैं लिख लेता हूँ, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है, स्मॉल एच इज इक्वल टू ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय चिमनी, ठीक है, चिमनी के द्वारा क्रिएट किया हुआ ड्राफ्ट। टी वन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एयर, जो चिमनी के बाहर में जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसका टेम्परेचर, और T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का एक निचोड़ है, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी अगर हमको निकालना है और इसको छोड़ के अगर बाकी सारे पैरामीटर हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसी के माध्यम से। देखिए, हमको ये दिया हुआ है कि एक बॉयलर है, फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। एच स्मॉल एच इज इक्वल टू 353 इंटू कैपिटल एच ब्रैकेट में 1/T1 प्लस, इट इज नॉट प्लस, इट इज माइनस, ठीक है, इट इज माइनस, ओके, M+1 अपॉन M × T2। दिस इज अवर फॉर्मूला वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है, दिस इज मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल, है ना। तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, जिसमें हमको ये दिया हुआ है कि मास ऑफ एयर, एम की क्वांटिटी दी हुई है 18 kg एयर पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ड्राफ्ट की वैल्यू दी हुई है, जो चिमनी नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट करती है, 25 mmWc का क्रिएट करती है, 25 mmWc, ठीक है दोस्तों। और हाइट हमको इस चिमनी की निकालना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया हुआ है T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको ऐसा करोगे 27 + 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है, दिस इज T1। एंड T2 मीन्स फ्लू गैस का टेम्परेचर, फ्लू गैस का टेम्परेचर इसने दिया हुआ है 315 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 315 + 273, इट इज इक्वल टू 588 केल्विन, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास सारे पैरामीटर आ गए हैं, अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। एच की जगह हम डाल देंगे 25 इज इक्वल टू 353 इंटू एच, एच हमको निकालना है तो इसको एच को एच ही रहने दीजिए, ब्रैकेट में 1/T1, T1 इज
चिमनी के बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और मास ऑफ फ्यूल जो दिया हुआ है 18 kg पर kg ऑफ फ्यूल दिया हुआ है। सो 18 + 1 / 18 इंटू ये वाला टेम्परेचर T2, 588, 588, ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब जब आप इसको क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करोगे तो आपकी एच की वैल्यू आएगी 47.2 मीटर। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसकी वैल्यू को हमको मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम में डालना है और ये वैल्यू हमको मीटर में मिलेगी हमेशा। इसको आपको एच की वैल्यू का इनपुट रहेगा मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम में, और एच का आउटपुट मिलेगा आपको मीटर्स में। किसमें मिलेगा? मीटर्स में। सो इससे आप जब सॉल्व कर रहे हो जो ये इनपुट दिए हुए हैं तो चिमनी की हाइट निकल के आती है 47.2 मीटर। दिस इज द मिनिमम हाइट। अब इसमें सल्फर वल्फर के लिए जो बॉन्डिंग रहती है उसके सल्फर कंटेंट के हिसाब से फ्यूल के आपकी हाइट अलग डिसाइड होती है, बट दिस इज ड्राफ्ट वाइज दिस इज द मिनिमम हाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दीज पैरामीटर्स टू गेट 25 mmWc ऑफ वाटर कॉलम का ड्राफ्ट। 18 kg का एयर पर kg ऑफ फ्यूल पे जला रहे हो आप, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर 300 डिग्री है और फ्लू गैस का टेम्परेचर इतना है, तो इससे आपको चिमनी की हाइट 47.2 मीटर मिनिमम रखनी पड़ेगी। सो दिस इज मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है दोस्तों, तो हमको फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। चिमनी के हाइट हम कैसे निकालते हैं? चिमनी का जो क्रिएटेड ड्राफ्ट रहता है दैट शुड बी इक्वल टू 353 × h ब्रैकेट में 1 / एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर माइनस मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल इंटू T2 फ्लू गैस टेम्परेचर। ये याद रखना है, यहाँ पे T1 एंड T2 शुड बी टेकन इंटू कैलविन, एच शुड बी टेकन इंटू मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, एंड एच वी विल गेट इन मीटर मीटर्स। ओके, तो ये सारी चीज है। एंड एम इज इक्वल टू केजी ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड, दिस इज द वे हाउ वी फाइंड हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है दोस्तों, सो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।